सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एक्सप्रेस को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी एक्सप्रेस चैनल। त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने को पुलिस प्रशासन मुस्तैद। आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था दृष्टिगत चिन्हित क्षेत्रों में पुलिस फोर्स का हुआ पैदल मार्च। राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों ईद उल अजहा जन्माष्टमी को दृष्टिगत रखते हुए थाना केसरबाग, थाना नाका, थाना बाजार खला, थाना चौक, थाना शहादतगंज व थाना अमीनाबाद का पुलिस बल अधीक्षक निर्देश का दिए गए हैं। उसका डिप्लॉयमेंट होता है, इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की भी कंपनीज रहती हैं, पीएसी की भी रहती हैं। इसके अलावा पूरे रेंज और जोन से भी हमारा फोर्स क्लोज होता है। जो प्रमुख ईदगाह हैं उस पर विस्तृत प्रबंध रहता है। पीस कमेटी मीटिंग दो राउंड हो गई हैं। सभी थानों में क्लस्टर मोबाइल बनाई गई हैं। चौकी और हल्कावार लगभग 260 हम लोगों के पास इस समय हैं। और इसके अलावा सभी थानों पर क्यूआरटी भी रहेंगी, सीओस के पास भी क्यूआरटी रहेंगी। इसके अलावा सादे वस्त्रों में भी फोर्स रहेगा और हम लोग भ्रमणशील रहेंगे। और सर, बकरा चोरी को लेकर के कुछ? देखिए, जो आम आदमी है जो बकरा लेके आता है, कई बार लाइट या किसी कारण से अंधेरे में या कभी कोई लाइट चली गई या कोई बकरा चोरी की शिकायतें यहाँ जो पूर्व में रही हैं, इस बार हमने कोशिश किया है कि आम आदमी जो है इस बात से आहत ना हो या मंडी में कोई है उसमें चोरी ना हो जाए। तो इसलिए सादे वस्त्रों में भी जहाँ जहाँ पटना मंडी है, सादे वस्त्रों में हम लोगों ने पुलिस फोर्स को लगाया है। तो अभी इस तरह की कोई भी इस तरह की सूचना प्राप्त नहीं है और हमने कहा जो इस तरह के अराजक तत्वों को पकड़ता है उनको हम लोग इनामित किया।